अच्छा एक बात अकाबिर ने एक और भी लिखी, वो भी सुन ले। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है, आपके हमारे मुल्क के सबसे बड़े मुफ्ती की बात बता रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि हजरत मुआविया हुजूर के वो सहाबी हैं कि सहाबा में ये शायद सबसे मजलूम सहाबी गुजरे हैं। अगर उसका नजारा करना हो तो कभी नेटियों को पढ़ लिया करें। हालांकि हजरत मुआविया कौन थे, छोटा सा सवाल है, हजरत मुआविया कौन है, सवाल समझ में आया, हजरत मुआविया कौन है, इसका जवाब सुने जो अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है। अल्लामा खालिद महमूद साहब लिखते हैं हजरत उमर ये अल्लाह का इंतखाब थे। माना क्या, आपको याद होगा हुजूर अलैहिस्सलाम ने हरम में दुआ मांगी थी कि अल्लाह या उमर दे दें या अमर दे दें। अमर कौन था, अबू जहल था, और उमर हजरत उमर थे। ये अल्फाज आप पढ़ लें हदीस की किताबों में, हुजूर ने फरमाया अल्लाह या उमर दे दें या अमर दे दें। मैं आपसे पूछता हूं, अमर आए, आगे आ जाइए, कह रहे हैं बस एक मिनट आगे आ जाइए, अमर आए या उमर आए, हुजूर ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने किसको भेजा, तो अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं हजरत उमर अल्लाह का इंतखाब थे। हजरत उमर किन का इंतखाब थे, अल्लाह का इंतखाब थे। अगली शेख सुन लें, फरमाया हजरत उमर अल्लाह का इंतखाब थे, हजरत मुआविया हजरत उमर का इंतखाब थे।